welcome you all to Exam Salt, and I'm Abhishek Singh. Today we'll be discussing about Internshala in detail. So मैं आज आपसे Internshala के बारे में in detail में बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपसे promise किया था कि मैं जल्दी Internshala पर एक detail video डालने वाला हूँ. So चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं. क्या है Internshala? ये मैं आपसे discuss करूँगा, साथ ही साथ कैसे Internshala पे एक student internship पा सकता है, कैसे कोई एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कैसे वुमेन जो है Internshala पे इंटर्नशिप पा सकती है. तो यही सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे. फिर थर्डली Internshala पे इंटर्न्स कैसे हायर होते हैं, कैसे एक एम्प्लॉयर, एक एनजीओ, एक कंपनी जो है अपने लिए इंटर्न्स हायर कर सकती है और अपना जो है काम करा सकती है इंटर्न से. सो ये भी हम डिस्कस करेंगे. और लास्टली जो मैं आपसे आईएसपी यानी Internshala स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जो कि हर साल Internshala पे होता है. सो गाइस चलिए शुरू करते हैं. पहले बात कर लेते हैं Internshala है क्या. सो गाइस Internshala एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री में इंटर्नशिप्स मिलती हैं, और यहाँ पर आप जो है ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं, बट ये ट्रेनिंग्स जो है आपको पेड है. सो यहाँ पर आपको अगर आप किसी स्पेशल चीज़ में या किसी स्पेशल स्किल पे अगर काम करना चाहते हो, वहाँ की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप Internshala पे जाकर इनरोल कर सकते हो. ये जो है चार्जेबल रहेगा. यहाँ पर कॉस्ट जो है, जब मैं अपना आईएसपी प्रोग्राम कर रहा था तब मुझे मेरे साथ जो शेयर की गई थी, जो मैंने वेबसाइट पर देखी थी, तो वो थी 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़. सो डिपेंड्स ऑन, मतलब डेली डिस्काउंट्स और ऑफर्स चलते रहते हैं. सो फ्लक्चुएशंस आते हैं ट्रेनिंग के प्राइसेस में. तो आपको जो है 1000 रुपये से ऊपर जो है ट्रेनिंग्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको Internshala पे मिलेगी. साथ ही साथ अगर कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो इंटर्न्स हायर करना चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपनी कंपनी के लिए, अपने एनजीओ के लिए, जो भी उसका अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, तो जो भी अगर उसका बिजनेस हो, अगर वो उस बिजनेस के लिए अगर इंटर्न्स हायर करना चाहता है तो वो आराम से कर सकते हैं. Internshala मतलब एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर हर फील्ड में आपको इंटर्नशिप मिल सकती है. अगर मैं लॉ की बात करूँ, तो अगर आपको किसी लीगल फॉर्म में या अगर आपको किसी एनजीओ में अगर आपको इंटर्नशिप करना है, तो आप जो है वहाँ पर Internshala पे लॉगिन करके या रजिस्टर करके जो है अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है, तो वो भी वहाँ पर रजिस्टर करके जो है अपने लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं. अब क्या बेनिफिट्स हैं Internshala पर इंटर्नशिप करने, क्या ये जेन्युइन होती है, क्या आपको कुछ अर्निंग्स भी मिलती है? तो गाइस यहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग भी मिल जाती है. जैसा कि मैं जब मैंने अपने लिए इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे 5000 15000, सो ऐसा जो है इंटर्नशिप्स मुझे मिली. पर कुछ में मैं सिलेक्ट हो पाया, कुछ के लिए मैंने काम किया, पर मोस्ट प्रोबेबली मैंने बहुत ही कम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अदर जो है अदर एक्टिविटीज़ पे अपना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता था. सो मैंने कुछ इंटर्नशिप के लिए हायर किया, वहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया. और जहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया, तो वहाँ पर मैंने कुछ काम किया कुछ दिनों के बाद, और वहाँ से फिर मैंने ऑप्ट आउट कर लिया. तो गाइस कैसे आप एक स्टूडेंट जो है Internshala पे इंटर्नशिप्स कर सकता है, कैसा जो है डैशबोर्ड होता है Internshala का, वो भी हम देखते हैं. तो पहली बात, अगर आप नए हो Internshala का, पहली बार नाम सुन रहे हो, या अगर आपने लॉगिन कर रखा है, पहले आप वहाँ पे साइन अप कर चुके हो Internshala पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है Internshala, या फिर आप डायरेक्टली जो है www.internshala.com भी डाल सकते हो, और Internshala का वेबसाइट जो है वो ओपन हो सकता है. अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको है जो स्टूडेंट वाला जो है रजिस्टर्ड एज अ न्यू स्टूडेंट, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाएंगे. और अगर आप एज अ एम्प्लॉयर जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर लॉग इन एज अ एम्प्लॉयर और साइन अप एज अ एम्प्लॉयर का ऑप्शन दिया जाता है. सो वहाँ पे 3 ऑप्शन जनरली आपको दिखाए जाते हैं राइट हैंड साइड पे,
login existing users, new user student click, new user employer click. तो वहाँ पर आप जाके जो है कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से इंटर्नशाला की जो वेबसाइट है आपको गाइड करती स्टेप बाय कि आपको कैसे क्या करना है और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सब आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, अब सिर्फ हम जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ स्टूडेंट की, तो कैसे एक स्टूडेंट जो है इंटर्नशिप पा सकता है। तो हमें क्या करना होता है, इंटर्नशाला हमसे एक रिज्यूम बिल्ड करवाता है, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो वो आपसे डिटेल मांगता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका कॉलेज एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहीं जॉब किया है, तो बहुत सारी चीज़ें वो मांगते हैं, वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछता है, तो उसके हिसाब से जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है एंड में रिज्यूम बिल्ड हो जाता है। तो रिज्यूम में क्या होता है, पहला आपका जो है नाम आ जाता है, फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी आ जाता है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है फ़ोन नंबर। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ यहाँ पर जो है एक करेक्ट ईमेल आईडी जो आप डेली एक्सेस करते हो, ठीक है, जहाँ पर आप जो है आपका इनबॉक्स आप डेली आप वहाँ जाके लॉगिन करके आप चेक करते हो मेल जो आपको आते हैं, वही ईमेल आईडी डालिएगा, वही नंबर डाल यूज़ करिएगा जो आपके पास हो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत समय जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक मेल आता है, ठीक है, आपको कोई टास्क दिया जाता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि आपको ये टास्क करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो जो है प्रोसीजर होता है एम्प्लॉयर के थ्रू, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर का अपना अलग मैटर होता है आपको सिलेक्ट करने का, पर आपको जो भी ऑफिशियल मेल्स हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, इंटर्नशाला की तरफ से, उसी मेल पर आएंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उसी मेल पर आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की जाएगी, आपके फ़ोन नंबर पर सारी डिटेल शेयर की जाएगी। सो रेज्यूम में सबसे पहले आपका नेम, फिर मेल, फिर आपका ईमेल आईडी, सॉरी ईमेल आईडी नहीं, फ़ोन नंबर आएगा, फिर आपका सिटी और आपकी कंट्री जो है वहाँ पे स्पेसिफाई कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट जो आता है एक कॉलम आता है, एक हेडिंग आता है एजुकेशन का। सो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या एजुकेशन है, ठीक है, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है और आपका कौन सा ईयर है और आपका कितना सीजी पे है, तो वो सारा आपको बता दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जॉब्स। तो गाइस जॉब्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है रिज्यूम में। तो अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आप पहले कहीं पार्ट टाइम जॉब कर चुके हैं या आपके पास किसी चीज़ का है, किसी पर्टिकुलर स्किल में आपके पास सर्टिफिकेट है, तो प्लीज़ यहाँ पर इस कॉलम में जो है आपको यही इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर यही सारी चीज़ें देखता है आपका रिज्यूम जो है, जब आप जो डैशबोर्ड इंटर्नशाला जो है आपका रेज्यूम जो है एम्प्लॉयर के सामने प्रेजेंट कर देता है कि ये क्वालिफिकेशंस है, ये जॉब जो है ये कैंडिडेट कर चुका है। और इंटर्नशिप्स की भी बात करी जाए तो वहाँ पे अब इंटर्नशिप का भी कॉलम दिया है, वहाँ पे आपको ऐड इंटर्नशिप करना पड़ेगा, अगर आपने कहीं पुरानी जगह इंटर्नशिप कर रखी तो आप वो भी वहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जहाँ पर जो है कंपनीज एनजीओ जो है वो इसी को, उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि नया स्टूडेंट आया तो नहीं प्रेफर करते हैं, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली जो है शॉर्टलिस्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है पास्ट एक्सपीरियंस देख के। तो ये एक टिप भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया कि आपके पास जितने भी आपने काम किया है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशंस है, आपने जहाँ पुराने जॉब किए हैं, तो सारी चीज़ जो भी है आपने रेज्यूम में यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे एक पूछा जाता है कि पोजीशन एंड रिस्पांसिबिलिटी। पोजीशन एंड रिस्पांसिबिलिटी में आपको क्या डालना है कि जैसे अगर आपने किसी पोजीशन में, आप जैसे आपने अगर कहीं इंटर्नशिप की है तो वो इंटर्न की आपकी क्या पोजीशन थी, जैसे अगर आपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग की इंटर्नशिप की है तो आप वहाँ पर क्या थे, HR थे या फिर मार्केटिंग एजेंट थे, क्या आपकी जॉब थी, तो वो आपको वहाँ पर इंटर्नशाला पर शेयर करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको रेज्यूम में मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यही रेज्यूम जो है प्रेजेंट किया जाता है एम्प्लॉयर के सामने जब वो आपको शॉर्टलिस्ट करता है, तो वही सारी चीज़ें एम्प्लॉयर देखता है, उसी के बेसिस पर आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर अपने वर्क सैंपल्स, स्किल्स और एडिशनल डिटेल्स जो है बाकी आप रेज्यूम में डाल सकते हैं। तो बहुत ही जो है इंटरफेस है, जो भी डैशबोर्ड है इंटर्नशाला का, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा
और आप एक दो बार अप्लाई करोगे इंटर्नशिप पे तो आपको पता चल जाएगी आपकी मिस्टेक्स क्या है, आपको लगने लगेगा, आपको समझने लग जाओगे कि मुझे क्या क्या अपने रेज्यूम में डालना है। तो अपना रेज्यूम आप वहाँ पर इंटर्नशाला पे डेली अपडेट करती रहिए, हर महीने अपना रेज्यूम अपडेट करो ताकि जिससे हमें जो है जल्दी से जल्दी जो हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो। ज़्यादा जॉब ज़्यादा पोजीशंस शेयर करना, पर हर छोटी छोटी माइनर से माइनर नहीं, मेजर और इम्पोर्टेंट जो आपको लग रहा है कि ये काम जो मैंने किया है इम्पोर्टेंट है और ये मुझे जो है यहाँ पे डालना चाहिए, इंसर्ट करना चाहिए रिज्यूम में, तो आप वही डालिएगा। कोई मतलब छोटा सा स्पोर्ट्स का मत डाल दीजिएगा कि मैंने ये स्पोर्ट्स खेला है, तो वो ऐड मत कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब्स में आपको आपका पुराना एक्सपीरियंस, अगर आपने अगर एक प्लॉट भी सेल किया है और आपने उसकी मार्केटिंग की है, तो अगर आपके पास उसके पास थोड़ा सा अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप वो स्किल्स में ऐड कर दीजिएगा। तो ये हमने बात करी थी स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को ऐसे जो है इंटर्नशिप मिल सकती है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा, मैं अपना खुद का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये तो अभी हमने जो अभी बात की है, अभी हमने रेज्यूम्स की बात करी है। फिर आपको ऑटोमेटिकली प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आपको जो है जैसा कि प्रेफरेंसेस देने कि आप अगर आपने कोई एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, क्लैट आए, ठीक है, तो आपसे सेंटर का प्रेफरेंस मांगते हैं कि आप कौन सी सिटी में जो है एग्जाम देना चाहोगे, आप कहाँ पे जो है जाना चाहोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है इंटर्नशाला पे आप अपने प्रेफरेंस डाल सकते हो, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो। जैसे मेरा प्रेफरेंस मैंने डाल रखा है लॉ, क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे लॉ से ही रिलेटेड कुछ करना है, तो मैंने अपना प्रेफरेंस लॉ डाल के रखा है। उसके बाद अगर मुझे मार्केटिंग वगैरह करनी रहती तो मैंने अपना नेक्स्ट प्रेफरेंस वो डाला है। तो जो प्रेफरेंस आप डालोगे वही जो है आपके सामने आ जाएंगे, उसी टाइप के इंटर्नशिप जो है इंटर्नशाला आपको मेल कर देगा कि ये इंटर्नशिप जो है मैच कर रही है आपके प्रोफाइल से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको प्रेफरेंस वैसे ही प्रेफरेंस डाले जहाँ आप एक्चुअल काम करना चाहते हो। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो या अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अपना उसी हिसाब से सिलेक्शन करें, ठीक है। अगर कंटेंट डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपर का आप जो है वहाँ पे अपना प्रेफरेंस डालें, फिर ऑटोमेटिकली एक सबसे स्टार्टिंग में एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने इन इन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया है, क्या आप इनमें सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, ऑप्ट आउट हैं कि नहीं। वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है इंटर्नशाला आपको मेल पे बता देगा, फ़ोन के थ्रू बता दिया जाएगा। मेन तो जो सारी चीज़ें आपको मेल पे आएगी, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक करेक्ट ईमेल आप जो है वहाँ पे डालिए। तो ये सारी बात हो गई स्टूडेंट के बिहाफ पे। यहाँ पर अगर कोई लेडी है, ठीक है, आफ्टर मैटरनिटी या फिर अगर कोई मैरिड लेडी है, ठीक है, या कोई कोई ब्राइड है, तो जो भी वुमेन है वो यहाँ पर इंटर्नशाला स्पेसिफिकली जो है उनको भी अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे कंपनीज को जब एम्प्लॉय जब पोस्ट करता है तो वहाँ पे स्पेशली ऑप्शन आता है कि वुमेन्स को अगर आप देना चाहते हो ऑन प्रायोरिटी बेसिस, तो वो भी आपसे पूछा जाता है। तो वुमेन्स को भी इंटर्नशाला ने इम्पोर्टेंस दिया है, और ऐसा नहीं है हर एक जो पर्सन है जिसके पास अगर कोई स्किल्स है, कोई नॉलेज है, या वो अपनी पावर या फिर अपना टाइम को कंज्यूम करना चाहता है और वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता है, तो वो इंटर्नशाला पे कर सकता है। क्योंकि इंटर्नशाला इतना ब्रॉड, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है अब कि आपको हर छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी का जो है आप उनके साथ काम कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हो। अब बात करें तो स्टाइपेंड की, तो गाइस स्टाइपेंड का ये रहता है कि इंटर्नशाला कोई अकाउंट डिटेल्स आपसे नहीं मांगता है। ये एम्प्लॉयर जो भी आपको हायर करते हैं एज इंटर्न, वो खुद आपको या तो अकाउंट ट्रांसफ़र या जो भी मेथड्स उनके होते हैं पेमेंट प्रोसीजर के, इन अकाउंट थ्रू अकाउंट, वो सब वो उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो रहता है 500 रुपीज़ से लेके तो है 50,000, 1 लाख, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर वो कितना स्टाइपेंड देना चाहते हैं उनकी इंटर्नशिप्स के लिए। तो अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर्स की। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स के लिए बताया है, कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के लिए ही बताया है कैसे वो इंटर्नशिप करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एम्प्लॉयर्स की। तो यहाँ पर अब मैं स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर की बात करूँगा।
तो गाइज अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का लेता हूँ, एग्जाम सॉल्ट मेरा एक स्टार्टअप है, ठीक है, ये मेरा एक फर्म है और यहाँ पे मैं जो है इंटर्न्स हायर करता हूँ। तो मैंने जो है अपना अकाउंट इंटर्नशाला में बना रखा है, तो वहाँ पर मुझे एम्प्लॉयर्स का एक डैशबोर्ड अपेयर होता है, ठीक है। वहाँ पर मैं जो है किस टाइप का मतलब इंटर्न चाहिए मुझे, अगर मुझे कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अगर इंटर्न चाहिए तो मैं वो भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे वो इंटर्न को रखना है तो वो भी ले सकता हूँ। मुझे एक जो है फॉर्म बनाना पड़ता है जो कि बहुत ईजी है, आप बना सकते हो, बट यहाँ पर आप जब सबमिट कर देते हो, आप जब लॉग इन कर लेते हो, साइन अप कर लेते हो एज ए एम्प्लॉयर, तो उसके बाद जब आप अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप पोस्ट कर देते हो तो आपसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मांगी जाती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ठीक है। आपकी कंपनी के प्रूफ मांगे जाते हैं, एक आपसे लीगल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि क्या प्रूफ है, आप सही में लीगल है, आप फेक तो नहीं। तो वो सारी चीज़ वेरीफाई करने के लिए आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो आप तभी साइन इन करें या साइन अप करें जब आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट हो। अब जैसे अगर मेरे पास था तो मैंने जो है अपना लाइसेंस जो है मेरे पास जो है गवर्नमेंट का था वो मैंने दिखा दिया, वो अपलोड कर दिया, उसके बाद से जो है मेरी इंटर्नशिप जो है मैंने पोस्ट कर दी। अब यहाँ पर सबसे ईज यह है इंटर्नशाला में, एम्प्लॉयर के लिए आसानी यह रहती है कि आप पोस्ट कर दो एक बार तो स्टूडेंट्स जो है जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी एप्लीकेंट्स हैं तो वो वहाँ पे अपना बताते हैं कि मैं ऐसे काम करूँगा, इतने समय के लिए अवेलेबल रहूँगा। आप जो है वहाँ पे आराम से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद हायर भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो डैशबोर्ड में आपको बता दिया जाएगा कि आपने इतने बंदों को रिजेक्ट किया है और फिर आपने इतने लोगों को हायर किया है और इतने लोगों को आपने शॉर्टलिस्ट किया है। तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर मिल जाता है, अगर आप पर्सनली जो है बात करके भी या फिर मेल करके भी जो है अपने इंटर्न्स को या एप्लीकेंट्स को या कैंडिडेट्स बोल दो, आप जो है हायर कर सकते हो और आप यहाँ पे अपना मिनिमम जो भी है आप स्टाइपेंड जो है आप बता सकते हो। अगर एनजीओ है और एनजीओ अगर स्टाइपेंड नहीं देना चाहते हैं तो उनको अपना एक जो है प्रूफ अलग से देना पड़ेगा। तो गाइस ये था एम्प्लॉयर्स के बारे में। अब बात करते हैं हम आईएसपी के बारे में, इंटर्नशाला स्टूडेंट प्रोग्राम है क्या। सो गाइस इंटर्नशाला स्टूडेंट प्रोग्राम ऐसा है, यहाँ पर इंटर्नशाला जो है स्टूडेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। एक जनरली एक मैसेज सर्कुलेट किया जाता है ऑन मेल या थ्रू व्हाट्सएप, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपसे जो है एक मेल शेयर किया जाता है कि ISP 10 प्रोग्राम, ISP 11 प्रोग्राम। अभी जो है ISP 11 प्रोग्राम के अभी रिसेंटली जो है एप्लीकेशंस हुई हैं और फाइनल राउंड के रिजल्ट्स भी जहाँ तक मुझे पता है आ चुके हैं। तो आपको जैसे अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब मैं एज अ लॉ स्टूडेंट हूँ या कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी सारी डिटेल्स दे देता हूँ कि मैं वहाँ पे आपसे ISP प्रोग्राम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक फॉर्म आता है आपको वो पूछते हैं कि आप क्यों इंटर्नशाला पे काम करना चाहते हैं, आप इंटर्नशाला के लिए बेनिफिट क्या बेनिफिट्स दोगे आप। तो आपको एक मेल आता है, वहाँ पे प्रॉपरली आपको सब गाइड किया जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उन्हें आंसर करना रहता है, उन आंसर्स के बेसिस पे जो है आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं फाइनल राउंड के लिए तो आपको जो है इंटर्नशाला की तरफ से एक ऑफर लेटर आ जाता है, उसमें लिखा रहता है कि आप जो है सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको ये जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है और आपको ऐसे करनी है। तो जनरली इंटर्नशाला स्टूडेंट प्रोग्राम में हमें जो है शेयरिंग का काम ज़्यादा रहता है, तो हमें जो है इंटर्नशाला को ISP जो है क्या करता है, एक प्रमोट करता है, इंटर्नशाला का यहाँ प्रमोशन करता है। ISP की ड्यूटी ये रहती है कि उनको एक मेल आता है, एक ऑफिशियली एक मेल आता है, वहाँ पर जो है कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है। ISP प्रोग्राम में कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं, उन कॉन्टेस्ट के बेसिस पे जो है वो कॉन्टेस्ट बेसिकली होते हैं मैसेजेस जो आपको सर्कुलेट करने पड़ते हैं, जैसे कि इंटर्नशाला की ट्रेनिंग, कि इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है तो आपको वो शेयर करना पड़ेगा, इंटर्नशाला इंटर्नशिप प्रोवाइड करना है। तो जो भी मैसेज जो है इंटर्नशाला की तरफ से जो मेल में आते हैं, जो भी प्रोसीजर आता है, जो भी स्टेप्स आते हैं कॉन्टेस्ट की, वो आपको फॉलो करके आपको शेयर करना पड़ता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। अगर आप
आईएसपी के लिए जाना चाहते हैं, इंटर्नशाला स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपके पास अच्छी कम्युनिटी हो। जितनी ज़्यादा कम्युनिटी रहेगी आप उतना बेनिफिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपको इंटर्नशाला को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे इंटर्नशाला का जो हेड रहता है, मतलब आईएसपी जो हेड होते हैं हमारे, तो वो आपसे मेल के थ्रू, लाइव सेशन के थ्रू या लाइव वीडियोस के थ्रू या ग्रुप के थ्रू जो है आपको कांटेक्ट करते हैं, और वो आपको वहाँ पे प्रॉपरली गाइड करते हैं और यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। तो रिवॉर्ड्स जनरली आपको जो है प्रोग्राम के लिए 30,000 के आसपास जो है दिया जाता है। ये अप्रोक्स फिगर्स बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। उसके साथ आपको टी शर्ट दिया जाता है, स्पेशल सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। अगर आप कुछ स्पेशल कर देते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। फिर आप यहाँ पे, अभी जो मैंने ISP 10 प्रोग्राम किया था, तो मुझे वहाँ पे एक ISP पॉइंट का जो है 5 रुपीज़ दिया गया था, तो मुझे वहाँ पे 5 रुपीज़ पे किया। रेफरल्स का सबका अपना अपना जो है, मतलब बोनस दिया जाता है वहाँ ISP को, और रिवॉर्ड्स जो हैं अलग ही, हर कॉन्टेस्ट में अलग होते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिक फिगर्स। तो वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाता है। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं जो है इंटर्नशाला पे होती है, और यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। तो आपको जो है कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको अपना रेज्यूम अच्छा रखना है, और आपको हर अपनी जॉब्स पोजीशंस जो हैं वो आपको अपनी अच्छी रखनी है। और नेक्स्ट, अगर मैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से बात करूँ, तो प्लीज़ एम्प्लॉयर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अगर स्टाइपेंड दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे देना ही पड़ेगा, नहीं तो कि आपके अगेंस्ट कंप्लेन हो जाती है, इंटर्नशाला पे रिपोर्ट कर दिया जाता है और आपका जो है अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है। सो दिस इज ऑल आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर अबाउट इंटर्नशाला। होप आपको अब इंटर्नशाला के बारे में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और गाइज अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मेरा भी, मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे भी मेरा भी गला सूख रहा है। तो अगर मैंने थोड़ा सा एफर्ट दिया है, अब मेरा जो भी रिसर्च मैंने आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी विलेजेस में हमें ये मैसेज सर्कुलेट करना है, ताकि वो लोग भी बेनिफिट इस चीज इन चीज़ों का बेनिफिट पा सकें। तो अगर आप भी अगर एग्ज़ाम सॉल्व पे अगर इंटर्न बनना चाहते हैं, तो आप भी इंटर्नशाला पे लॉग इन करके जो है वहाँ पे आप डेली जो है चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम सॉल्व के लिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।